मुंबई के विभिन्न उपनगरों की जनता को अपने पावन प्रवास व मंगल प्रवचन से लाभान्वित करते, जन जन में सद्भावना, नैतिकता और नशा मुक्ति की अलख जगाते हुए युग प्रधान आचार्य श्री महाश्रमण जी अपनी धवल सेना संग मुंबई महानगर के घाटकोपर में पधारे। अपने आराध्य को अपने क्षेत्र में पाकर घाटकोपर वासियों का श्रद्धा, उत्साह व उमंग का मानो पारावार नहीं था। उनकी आंतरिक प्रसन्नता, उनकी प्रसन्न मुखाकृति तथा उनके द्वारा किए जाने वाले बुलंद जयघोष में स्पष्ट दृष्टिगोचर हो रहा था। स्थान स्थान पर किशोरों किशोरियों व ज्ञानशाला के ज्ञानार्थियों द्वारा लगाई गई झांकियां लोगों का मन मोह रही थी। आचार्य श्री के अभिवादन में बौद्ध धर्मगुरु राहुल बोध जी भी उपस्थित, दो मतों के धर्मगुरुओं का मिलन लोगों को आह्लादित करने वाला था। महात्पस्वी आचार्य श्री महाश्रमण जी ने अपनी अमृतवाणी का रसपान कराते हुए कहा कि आदमी के भीतर अनेक वृत्तियां होती हैं। अच्छी वृत्ति होती है तो उसी आदमी के भीतर बुरी वृत्ति भी होती है। जैन धर्म में चार प्रकार के कषाय बताए गए हैं, क्रोध, मान, माया और लोभ। कहा जाता है कि आदमी की इच्छाएं आकाश के समान अंतहीन है। बौद्ध धर्मगुरु श्री राहुल बोध जी ने अपने अभिभाषण में कहा कि मैं घाटकोपर में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आप भ्रमण करते हुए कितना जनकल्याण का कार्य कर रहे हैं। विधायक पराग भाई शाह ने अपनी भावनाओं को अभिव्यक्त कर पावन आशीर्वाद प्राप्त किया। स्थानीय तेरापंथी सभा के अध्यक्ष शांतिलाल बाफना, स्वागताध्यक्ष कांता तातेर व शर्मिला तातेर, मुख्य प्रबंधक मनोहर लाल गोखरू, स्थानकवासी संघ के अध्यक्ष विपिन भाई व श्री मुकेश भाई, महिला मंडल उपासक श्रेणी, तेरा पंथ युवक परिषद, कन्या किशोर मंडल, अनुव्रत समिति ने भी अभिव्यक्ति दी। तेरा पंथ समाज घाटकोपर ने स्वागत गीत का संगान किया। आचार्य प्रवर एवं मुख्य मुनि श्री महावीर कुमार जी, साध्वी प्रमुखा श्री विश्रुत विभा जी, साध्वी वर्या श्री सिंबुधेशा जी सहित धवल सेना का 5 दिवसीय प्रवास रहा। साध्वी श्री सोमेशा जी एवं साध्वी वृंद ने गुरु दर्शन किए। केंद्रीय मंत्री श्रीपाद नाइक, महाराष्ट्र भाजपा अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले, मुंबई अध्यक्ष आशीष शेलार, सांसद मनोज कोटक, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ घाटकोपर के चेयरमैन नितेश चंद्रा, विधायक राम कदम, वैज्ञानिक के पी मिश्र, नगर सेविका राखी जाधव, पूर्व न्यायाधीश के तातेर ने भी आशीर्वाद प्राप्त किया। राजयोगी ब्रह्म कुमार निकुंज भाई ने भी विचार रखे इस आयोजन में। ख्याली लाल तातेर, मदन लाल तातेर, बाबूलाल कच्छारा, मनोहर गोखरू का मार्गदर्शन रहा। पावन प्रवास में विशेष सहयोगी के रूप में स्वागताध्यक्ष श्रीमती प्रकाश देवी तातेर, कांता देवी तातेर रहेंगे। स्वागत समिति में वरिष्ठ गणमान्य महानुभाव बाबूलाल विनोद कच्छारा, मदनलाल विनोद कुमार तातेर, हरकचंद शैलेंद्र, जितेंद्र निमेश चौरिया, ओम भिक्षु फाउंडेशन राजेश कुमार अर्जित, हर्षिल धीलीवाल, अशोक कुमार, विनोद कुमार तातेर, रजनीश कुमार, प्रमोद कुमार मेहता, शिल्पिन ख्याली लाल तातेर, राजेश पीयूष, विमल बापना का सहयोग मिल रहा है। महेंद्र तातेर के अनुसार कार्यक्रम को ऐतिहासिक बनाने के लिए विभिन्न कमेटियां बनाई गई। आयोजन में मुख्य रूप से श्री जैन श्वेतांबर तेरापंथी सभा घाटकोपर अध्यक्ष शांतिलाल बापना, मंत्री कमल कोठारी, कोषाध्यक्ष शांति लाल कोठारी, तेरापंथ युवक परिषद अध्यक्ष राजेश सिंघवी, मंत्री रूपेश धाकड़, कोषाध्यक्ष धनराज डांगी, तेरा पंथ महिला मंडल, संयोजिका भावना चपलोत, सहसंयोजिका पायल शिशोदिया, प्रीति सिंघवी एवं समस्त संघीय संस्थाएं घाटकोपर का सहयोग रहा। पूज्य गुरुदेव की मुंबई यात्रा में मुंबई आचार्य श्री महाश्रमण प्रवास व्यवस्था समिति मुंबई अध्यक्ष मदनलाल तातेर, मुख्य प्रबंधक मनोहरलाल गोखरू, महामंत्री सुरेंद्र कोठारी, महेश बाफना, कोषाध्यक्ष गौतम कोठारी का सहयोग रहा है। अध्यक्ष शांतिलाल बापना ने विभिन्न दायित्व सौंपा। भोजनशाला में महेंद्र तातेर, गौतम कोठारी, विनोद तातेर, बकुल हिरण, पारस सोनी, प्रचार प्रसार में हस्तिमल डांगी, सुमन चपलोत, पांडाल व्यवस्था में पीयूष बापना, पारस सोनी, ठिकाना व्यवस्था में चंद्र प्रकाश बोहरा, राकेश बदाला, संजय सोनी, यातायात व्यवस्था में सुरेश राठौर, तनसुख ढालावत, गोचरी में जीतू भाभेरा, राजेश कुंड, संजय सोनी, भीमराज सुराना, जीतेश धाकड़, जल व्यवस्था में राजेश धाकड़, चौका व्यवस्था में भावना चपलोत, कपिल गोखरू, धनराज डांगी, रैली में श्रवण चौधरी, राकेश बदाला को बैच में, वसंत कच्छारा अतिथि स्वागत का कार्य सुरेश राठौर, हस्तिमल डांगी को सौंपा गया। काशिद व्यवस्था हरी देवासी।
अन्य व्यवस्था का प्रभार शांतिलाल बापना, कमल कोठारी, राजेश सिंघवी, रूपेश धाकड़ को सौंपा गया। वही लोकेश डांगी शांतिलाल कोठारी का भी सहयोग रहा। आचार्य श्री महाश्रमण जी ने को प्रातःकाल घाटकोपर में भ्रमण को निकले। अपने आराध्य के इस भ्रमण का घाटकोपर वासियों से पूर्ण लाभ प्राप्त किया। अनेकानेक श्रद्धालुओं को अपने अपने घरों, व्यावसायिक प्रतिष्ठानों अथवा घर के आसपास व अपनी सोसाइटी आदि के आसपास अपने आराध्य के दर्शन करने और उनके श्रीमुख से मंगल पाठ सुनने का अवसर मिला। तेरा पंथ के महासूर्य आचार्य श्री महाश्रमण जी के चरणों में श्रद्धा भक्ति भरा वंदन, नवम दीक्षिका साधी प्रमुख श्री जी के चरणों में सभक्ति वंदन, साधी वर्या जी मुख्य मुनि प्रवर प्रसंग की सभी धवल रश्मियों को चरणों में भाव भरी वंदना। जिनका ज्ञान है अलौकिक उस ज्ञानी पुरुष को नमन, अनुपम वाणी अद्भुत ध्यान ऐसे शिरोमणि को नमन। हे महाश्रमण, हे ज्योति चरण, हे करुणा नंदन, मुंबई कन्या मंडल की ओर से आप श्री के चरणों में श्रद्धा सिक्त नमन। परम पूज्य गुरुदेव की अमृत देशना के लिए सभी इंतजार कर रहे थे, वह इंतजार अब संपन्न हो गया है। पूज्य प्रवर की अमृत देशना के साथ में हम अपने आप को जोड़े और अपने जीवन को धन्य बनाए। को अपना जीवन की ज्योति जगाई। जीवन क्यों जीना चाहिए? जीवन जीने के लिए भी तो कितना श्रम करना होता है। इस तेरापंथी समाज घाटकों पर और ये प्रवास समिति के सभी सदस्यों को मन पूर्वक बधाई देता हूँ और हमारे अध्यक्ष बावन कुए जी को यह बताना चाहता हूँ कि बावन कुए जी ये कार्य आचार्य जी का यहाँ आगमन होगा और इस पावन धरती पे उनके पगले आ करके और पावन करेंगे, उसके इंतजार में ये आंखें 2 साल से प्रतीक्षा कर रही है। और ये भी संत आचार्य जी अपने द्वार अपने पास अपनों को आशीर्वाद देने आते हैं तो स्वाभाविक है ईश्वर की परमेश्वर की योजना होती है। तेरा पंथ समाज ने पिछले 2 साल से कड़ी मेहनत के बाद ये पावन अवसर हमें मिला है कि हम सब लोग ये आशीर्वचन और आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए हम सब लोग जुड़े हैं। मुंबई में प्रवास आचार्य श्री महाश्रमण जी 3 जनवरी 2024 को घाटकोपर में पधारे। 3 से 7 तारीख घाटकों में भेजेंगे। यहाँ पर हर प्रोग्राम और आध्यात्मिक प्रोग्राम की घड़ी लग रही है। घाटकोपर में आचार्य श्री का चातुर्मास में तपस्या की घड़ी लगी हुई है। प्रवर्तन अच्छा हो रहा है, पब्लिक अच्छी आ रही है, उपस्थिति अच्छी है। घाटकोपर में गुरुदेव का पधारना हुआ उससे पूरे घाटकोपर वासी बहुत उनके आभारी है। हाँ, मैं संपतलाल सिंह भी ऐसे भी घाटकोपर में रहता हूँ हाल में और मैं लंबोड़ी तेरापन सभा का अध्यक्ष हूँ और यहाँ पे जिस प्रकार से पब्लिक आ रही, लगभग 4-5 हज़ार लोग रोज मतलब दर्शन कर रहे हैं और लाभ ले रहे प्रवचन का। मेरा नाम विमला हिरण है, मैं राजस्थान महिला मंडल की सहमंत्री हूँ और थाना महिला मंडल की संगठन मंत्री हूँ। चातुर्मास का जो हमें गुरुदेव का जो चातुर्मास का नंदन वन में जो नज़ारा देखने मिला वही हमारा अभी लगातार चल रहा है और घाटकोपर में भी बहुत ही अच्छी व्यवस्था हुई है और गुरुदेव हर प्रवास स्थल पर पधार रहे हैं और हमें आगे भी हमारे थाना पधारने का है और हम चाहते हैं कि इनका लाभ हम ज़्यादा से ज़्यादा लें और यही मेरी कामना है। ओम अरम। मैं हेमा हिंगड़ घाटकोपर से। हम सभी घाटकोपर वासी अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली मानते हैं कि हमें गुरुदेव का इतना अच्छा सानिध्य प्राप्त हो रहा है। हम सब गुरुदेव के बहुत बहुत आभारी हैं, कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं। जय जिनेन्द्र। आज बॉम्बे महिला मंडल एक साथ घाटकोपर में आए, काफ़ी सुंदर व्यवस्था है, संत की प्रभावना बहुत हो रही है और गुरुदेव की बहुत कृपा है। जहाँ जहाँ गुरुदेव पधार रहे हैं वह अति सुंदर व्यवस्था अपने आप ही हो जाती है। गुरुदेव के चरणों में श्रद्धा सिक्त अभिवंदना।
आप सभी को सादर जय जिनेन्द्र। घाटकोपर का नजारा ऐसे लग रहा है कि मानो एक नया नंदन बन यहाँ बस गया है। जिनेन्द्र, जब हम इतने दिन से गुरुदेव को बात निहार रहे थे कि कब हमारे घाटकोपर में गुरुदेव के पगलिया हो जाए और कब हम गुरुदेव की सन्निधि में ये एक महोत्सव जैसा मनाए, हम नंदन वन में थे 5 महीने। जैसा ही आज माहौल हमें लग रहा है कि आज हम वापस नंदन वन में आ गए हैं, लग रहा है जैसे चातुर्मास जैसा लुक लग रहा है और भगवान की भक्ति करने में बहुत ही मजा आ रहा है। जय जिनेन्द्र। मैं तो सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि गुरुदेव के ये मुंबई भ्रमण के वजह से जो यूथ हमसे जुड़ रहा है, जैसे घर घर आ रहे हैं गुरुदेव, तो सबको एक जिज्ञासा रहती है कि कौन से गुरु है, जिनको नहीं पता है, जिनको नॉलेज कुछ भी नहीं है, आज वो भी आके उनके चरण स्पर्श कर रहे हैं, उनके दर्शन कर रहे हैं, तो ये हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है। जय जिनेन्द्र। मैं प्रमोद मेहता घाटकोपर से। गुरुदेव का जो प्रवेश है वो अविस्मरणीय रहा और हमारे लिए एक ये ऐसा मौका है आध्यात्म का, जिसमें सभी लोग ने बहुत अच्छा अभी तक आनंद या उसका गुरुदेव की भावना का पूरा लाभ ले रहे हैं। और सभी से यही आग्रह कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग यहाँ पधार के गुरुदेव का आशीर्वाद लें। जय जिनेन्द्र। मैं पीयूष बाफना। आज हमारे यहाँ घाटकोपर के धरातल पर जो आचार्य श्री पधार की जो अनुकंपा की है वो हमारे लिए एक अविस्मरणीय इवेंट है। और हमने जो इस 3 दिन में 5 दिन के प्रवास में जो आज दूसरे दिवस में ही हम इतने और बोर हो गए गुरुदेव की अनुकंपा से कि हम उसकी कोई कल्पना नहीं कर सकते हैं। और इतने उदार दिल गुरुदेव जो हर जगह जाकर हर जगह पे हर क्षेत्र में हर जिस किसी ने अर्ज कर दी गुरु और मेरे दुकान पे पधारो, मेरे घर पे पधारो, तो इतनी अनुकंपा वो कर रहे हैं जिसकी कोई कल्पना नहीं है। मैं नीतू डांगी घाटकोपर से। आचार्य श्री जी का चातुर्मास, आचार्य श्री महाश्रमण जी का चातुर्मास मुंबई में था और आचार्य श्री सभी क्षेत्रों को में विहार करते हुए आज घाटकोपर में पधारे हैं और घाटकोपर में बहुत ही अच्छा सुव्यवस्थित प्रोग्राम चल रहा है। अस्तिमल डांगी, कोषाध्यक्ष तेरापन सभा मुंबई। आज बड़ी खुशी का मौका है कि गुरुदेव ने नंदनवन में अपना सकुशल चातुर्मास संपन्न कर घाटकोपर की इस पावन धारा पर पदार्पण किया और इस पावन धारा पर गुरुदेव का जैसे कि नंदनवन में ठाट लगा हुआ वैसे ही ठाट इस घाटकोपर में आज लग गया है। घाटकोपर में जिस व्यवस्थाओं की दृष्टि से देखा जाए तो बहुत ही अच्छी व्यवस्थाएँ हुई है और हमारे हम जैन समाज के पराग भाई शाह ने हमें बहुत अच्छा स्थान उपलब्ध करवाया। उसके पश्चात हमारे वर्धमान स्थान के वासी जैन संघ ने भी हमें गुरुदेव के प्रवास के लिए बहुत ही अच्छा स्थान उपलब्ध करवाया। उनके कारण ही हम व्यवस्थापकों की ओर से बहुत अच्छी व्यवस्थाएं हो सकी और ज्ञान की गंगा गुरुदेव के मुखारविंद से ज्ञान की गंगा प्रवाहित हो रही है। नरेश पगारिया काजूपाड़ा से। आज हम इस घाटकोपर के प्रांगण में उपस्थित हैं। यहाँ पे पूज्य प्रवर आचार्य श्री महाश्रमण जी का पावन प्रवास 3 जनवरी से 7 जनवरी तक है और बहुत ही घाटकोपर वासियों ने बहुत ही सुंदर व्यवस्था पूज्य प्रवर के दर्शन सेवा, साधु प्रमुखा जी के दर्शन सेवा, पांडाल व्यवस्था, भोजनशाला, बहुत ही सुंदर व्यवस्था घाटकोपर वालों ने कर रखी है। जय जय ज्योति चरण, जय जय महाश्रमण। मेरा नाम राजेश सिंह जी, तेरापन युवक परिषद घाटकोपर अध्यक्ष। हमारे जन्मों जन्मों के जो कर्म कटे हैं गुरुदेव के पधारने से, मेरे तो मुझे ऐसे लग रहा है मेरे बहुत जन्मों के कर्म कट गए। और जो युवक परिषद की जो टीम ने आज मुख्य में लिखा जो विहार में मेरा जो सहयोग प्रदान किया है लगभग 13 किलोमीटर प्लस, तो कोई कार्य मेरे ऊपर है ही नहीं है, सब कार्य में मेरे युवक परिषद की टीम ही कर रही है। मैं बहुत फ्री हूँ क्योंकि मेरी टीम बहुत मजबूत है। मैं आप सभी को घाटकोपर प्रवास का जो यह गुरुदेव का प्रवास हो रहा है इस प्रवास के निमित्त आपको केवल इतना ही कहना चाहता हूँ कि यदि किसी भी प्रकार की कोई व्यवस्था में त्रुटि रह जाए तो उसे हमें क्षमा करना। जैसे एकासन है, आयम्बिल है, उपवास है, जैसे भी जिसको जितने जो हो सके उतने त्याग की कोशिश करें। ओम हरम। मेंबर्स, हमारा जो मुख्य लक्ष्य है युवकों को अध्यात्म की ओर जोड़ना,
तो उसमें कुछ काफी हद तक हम सफल भी हुए हैं कि हमारे अध्यक्ष राजेंद्र सिंह जी और मंत्री रुपेश जी धाकड़ की टीम के नेतृत्व में हमने लगभग 125 में नए मेंबर्स को जोड़े हैं जो नित्य विहार सेवा और जो भी आध्यात्मिक सेवा है उसमें ज्यादा से ज्यादा हमारा फोकस रहता है। और सभी युवकों से यही आह्वान है कि ये मंगल अवसर मिला है हमको गुरुदेव की सन्निधि में, इसका अधिक से अधिक लाभ उठाए जितना हो सके। ओम अरुण, आज हमने देखा है कि आचार्य महाश्रवण जिस प्रकार का महाश्रम वो करते हैं, जो उनकी कोर टीम है साध्वी वरिया जी, मुख्य मुनि और आचार्य प्रवर। मुख्य मुनि ने 13 किलोमीटर किया, 13-14 किलोमीटर, उसके बाद साध्वी वरिया जी ने 10 किलोमीटर और आचार्य श्री का लगभग 4 किलोमीटर। उनकी पूरी टीम जो महाश्रम कर रही है, मतलब वो श्रम ऐसा होता है कि किसी के घर पे ऐसे व्यक्ति हैं जिनके घर पे नॉर्मली साधु संत भी नहीं आते हैं और सीधे मुख्य मुनि पधार जाते हैं। तो धर्म संघ से जो जोड़ने का कार्य जो चल रहा है आचार्य श्री महाश्रवण जी की, जो पूरी कोर टीम है जो जो पूरा महाश्रम कर रही है, उनके प्रति अनंत अनंत कृतज्ञता। कोषाध्यक्ष 13 जीव प्रसिद्ध घाट गोबर, ये जो आप समुचित व्यवस्था देख रहे हैं 13 जीव परिषद द्वारा पिछले 2 से 3 महीनों का आश्रम है और पूज्य प्रवर का घाट गोबर में पदार्पण हम सभी के लिए एक वरदान बना हुआ है और कर्मों के साथ साथ में आध्यात्मिक जो रसा साधन का कार्यक्रम मिल रहा है, सभी इस कार्यक्रम को देखकर अभिभूत है। ठिकाना हो, भोजन हो, आवास हो, विहार हो और अन्य व्यवस्थाओं में संपूर्ण समाज इस कार्यक्रम में लगा है, किसी भी प्रकार की त्रुटि के लिए हम समा चाहते हैं। ओम अरुण। रुपेश धाकर, तेजब घाट गोबर मंत्री, ये 5 दिन का प्रवास हम जो हमको गुरुदेव ने अपनी तिथि के द्वारा जो प्राप्त की है, हम संपूर्ण 13 समाज के 13 जो परिषद की तरफ से दर्शन सेवा का लाभ ले रहे, ये हमारी मनोकामना। 13 योग परिषद सदस्य घाटकोपर, गुरुदेव का आगमन घाटकोपर नगरी में हुआ है, इससे घाटकोपर की धरा पावन हो गई है और मैं गुरुदेव के प्रति हार्दिक कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ और संपूर्ण श्रावक समाज। वंदे गुरुवर के चरणों में शश्वत वंदन। 5 महीने नंदन वन में प्रवास हुआ, दर्शन का बारंबार मौका मिलता रहा। कभी गुरु चरणों में जो भी हमारे साथ में आएगा, गुरु जी ने महासमंद जी दोनों हाथ ऊपर उठाकर आशीर्वाद दिया, बड़ी आत्मीयता से बात की। जब भी चपले परिवार का नाम लिया, गुरु ने हंस के हमेशा आशीर्वाद दिया और जो भी हमारे निकट जिनको भी बुलाया दर्शनार्थ के लिए और जिनको उपनगरों में भी बुलाया, शास्त्री जी जो कोई पहचान वाले थे, कुछ भी थे, उन्होंने आत्मीयता से बात करके जो दिशा निर्देश दिए, वो भी आने वाले दर्शन करने वाले सब गदगद हो गए। गुरु के आपके इतने नरम, इतने दयालु है, उनकी जितना भी कृतज्ञ ज्ञापित करें कम है। ओम अरुण। मैं खैलीलाल माधरेचा निवासी केलवा प्रवासी घाटकोपर में रहता हूँ। हमारे गुरुदेव 13 की राजधानी मुंबई की घाटकोपर में पदार्पण हुआ, 5 दिन का प्रवास दिलाया और हम सब सौभाग्यशाली है कि यहाँ जैन समाज के बहुत 10,000-12,000 के लगभग परिवार रहते हैं और हमारे 13 समाज के भी 400 के लगभग परिवार है घाटकोपर में और गुरुदेव धर्म की अच्छी प्रभावना करा रहे हैं, सब बहुत अच्छा लाभ ले रहे हैं। सबसे सर्वप्रथम गुरुदेव के प्रति बहुत बहुत कृतज्ञता कि घाटकोपर में आपने 5 दिन का प्रवास फरमाया है और जैसे ऐसा लग रहा है कि घाटकोपर के 400 परिवार में एक शादी का माहौल हो गया है। हर घर में इतना उल्लास है, इतना आनंद है कि हर घर से जो व्यक्ति कभी साधु साधुओं के दर्शन नहीं करते थे वो व्यक्ति यहाँ पे दिखाई दे रहा है। मैं सुनील चपलूत, भारत जैन महामंडल की राष्ट्रीय महामंत्री, आज हमारे प्रभु हमारी गुरुवर घाटकोपर की धरा पर पधारे हैं, 5 दिन का प्रवास है और आज घाटकोपर का जन जन, चाहे वह स्थानक वासी हो, मंदिर वाले हो या 13 समाज के सारे जैन समाज में उत्साह की एक लहर छाई हुई है। ऐसा लग रहा है कि बड़ा त्यौहार आया हुआ है और गुरुदेव जो कृपा करा रहे हैं, गली गली घर घर जाकर अपने भक्तों को दर्शन दे रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि हमारे भाग्य का एक पुण्य भी हुआ है कि हमारे प्रभु हमारे घर पर पधार रहे हैं। मैं राकेश ख्यालीलाल जी बराला, घाटकोपर क्षेत्रीय अनुभव संयोजक। गुरुदेव जिस प्रकार से मेहनत कर रहे हैं वो एक बहुत ही सराहनीय प्रयास है और नैतिकता, सद्भावना और नशा मुक्ति ये 3 आयाम लेकर गुरुदेव हर क्षेत्र में प्रवास कर रहे हैं और इसकी जागरूकता फैला रहे हैं। हजारों लाखों बच्चों ने इस नशा मुक्ति में शामिल होकर अपने नशा
नहीं करने का संकल्प लिया है। मैं अनुवाद समिति घाटकोपर के सह संयोजक, मैं गुरुदेव के प्रति हार्दिक कृतज्ञता व्यक्त हूँ कि गुरुदेव ने महत्व कृपा करके 3 से 7 तारीख तक जो घाटकोपर वासियों को बख्शा है। गुरुदेव के प्रति कितने कृतज्ञ, गुरुदेव जन जन तक जा रहे हैं और तीनों आयाम नैतिकता, सद्भावना और नशा मुक्ति का जो अभियान गुरुदेव चला रहे हैं और इस वर्ष 75वां अनुरोध दिवस भी मना रहे हैं। मैं अनुरोध समिति मुंबई का उपाध्यक्ष के रूप में बोल रहा हूँ। मुंबई समिति के कर्मठ अध्यक्ष आदरणीय रोशनलाल जी साहब मेहता के मार्गदर्शन में अनुरोध समिति का चाहे उद्बोधन अनुरोध समिति के लिए हजारों संकल्प पूरे हजारों प्रकल्प का काम पूरा हो रहा है और अनुरोध समिति क्षेत्रीय समिति घाटकोपर चाहे वो अनुरोध उद्वेलन सप्ताह हो, चाहे एलिवेट का प्रोग्राम हो, चाहे अनुरोध वाटी का प्रोग्राम हो और चाहे नशा मुक्ति का स्कूल में प्रोग्राम हो, सभी क्षेत्रों में घाटकोपर क्षेत्रीय समिति कंधे से कंधा मिलाकर काम कर रही है। मैं कमल कोठारी 13वीं सभा घाटकोपर के मंत्री के रूप में मैं अपनी सेवाएं दे रहा हूँ। आज जो आप नज़ारा देख रहे हैं ऐसा लग रहा है लोगों के जो उत्साह और उमंग के साथ बहुत से लोगों ने बताया कि मुंबई नंदनवन की याद आ गई है। तो यहाँ नज़ारा नंदनवन का खड़े करने के लिए जो आप देख रहे हैं, 10 दिन पहले क्या नज़ारा था, यहाँ एक प्लॉट पड़ा था। पराग शाह जो हमारे यहाँ MLA हैं उन्होंने हमें स्वीकृति दी कि आप आइए और आज हमारे गुरुदेव हमारे करुणा निधान ये प्रधान आज हमारे चरण स्पर्श लेकर यहाँ पधारे हैं तो हम अनंत कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं उनके प्रति एवं 13वां समाज आप सभी पधारे हुए मेहमानों का स्वागत अभिनंदन भी करता है। जय जिनेन्द्र, मेरा नाम है हिंदल सोनी, मैं गोवंडी समाज से हूँ और जब ही गोवंडी में आचार्य श्री महाश्रमण जी पधारे थे वो नारायण गुरु स्कूल में पधारे थे, मैंने उनके चरण स्पर्श किया था और मैंने उनसे संकल्प लिया था ना मैं कभी झूठ बोलूँगा, ना मैं जूता छोड़ूंगा खाने को, ना कभी कितनी भी कठिन मुश्किल आ जाए कभी भी मैं आत्महत्या नहीं करूँगा। मेरा सभी को यही मैसेज देना था। महंती कृपा करके महातपस्वी गुरुदेव महाश्रमण घाटकोपर में पधारना हुआ, कल का मेरा भव्य कार्यक्रम रहा। आज सवेरे से काफ़ी पंडाल फुल हो चुका था, बाहर थी और गुरुदेव ने वेस्ट में आज जो पगलिया कराए वो बहुत उदाहरणीय है। महातपस्वी इतनी श्रम करके सबके बिल्डिंग में पदार्पण किया, मन की कृपा की गुरुदेव ने, ऐसा आशीर्वाद हरदम घाटकोपर वासियों के ऊपर बनता रहे। 13वीं के नवम आचार्य श्री तुलसी ने युगीन समस्याओं को भाप कर ज्ञानशाला का निर्माण किया और ज्ञानशाला का अवदान दिया जिससे हमारी आने वाली पीढ़ी भावी पीढ़ी संस्कारी बनेगी। इससे हमारा समाज ही नहीं हमारा राष्ट्र भी सुदृढ़ बनेगा ऐसी अपेक्षा है। घाटकोपर ज्ञानशाला में 22 टीचर्स सेवाएं दे रही है और 150 बच्चे ज्ञानशाला में ज्ञान अर्जन कर रहे हैं। ज्ञानशाला में बहुत से उपक्रम चलाए जाते हैं जैसे कि नमस्कार महामंत्र से लेकर प्रतिक्रमण तक सिखाया जा रहा है। सिर्फ आध्यात्मिक ज्ञान ही नहीं दिया जाता, यहाँ पर बौद्धिक विकास भी उनका हो रहा है, साथों साथ उनका समाज में कैसे उठना बैठना है और उनका पर्सनालिटी डेवलपमेंट भी हो रहा है। धन्यवाद हमारे गुरुदेव हमारे यहाँ पधारे हैं। इनका पावन प्रवास घाटकोपर में फरमाया है। घाटकोपर वासियों ने पूरी अच्छी तरह से तीनों समय सुबह दिन में और शाम को गुरुदेव की सेवा का जो लाभ लिया है और लाभ मिला है तो गुरुदेव के प्रति बहुत बहुत हार्दिक कृतज्ञता। भांडू पधारे, आप सबको निमंत्रण देता हूँ, आप सब जन सपरिवार भांडू पधारे और हमें आतिथ्य का मौका दे। 13वीं के महासूर्य आचार्य श्री महाश्रमण जी धवल सेना के साथ में भांडू पधारे हैं तो आप सब वहाँ पर पधारे और आपके द्वारा जो आध्यात्मिक भक्ति होगी उसका लाभ ले जरूर जरूर। हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि 12 और 13 जनवरी को करुणा के सागर करुणा के कुबेर आचार्य श्री महाश्रमण जी भांडू पधार रहे हैं। आप सबको निवेदन है
कि इस मौके का अधिक से अधिक लाभ उठाएं और गुरु दर्शन के लिए जरूर से पधारे, सह परिवार पधारे, आशीर्वाद प्रदान करें भगवान। और मुंबई को अभी आपने देखा है, मैंने पहले भी निवेदन किया था, मुंबई भारत की राजधानी है, आर्थिक राजधानी है, एक एक उपनगर महानगर का है। कल बहन ने घाटकोपर के लिए चातुर्मास की अर्ज की थी है। आप तो कहीं भी आगे भी मुंबई पर ध्यान दे रहे हैं, एक तरह पूरा भारतवर्ष आपकी सेवा में उपस्थित हो सकेगा। और भगवान समय की सीमा में आपसी के प्रति अनंत कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं। और आज मुंबई समाज में जहां भी आप पधारे हैं, एक नई चेतना, एक नया उत्साह है, और हम देख रहे हैं सभी जगत शक्तियां जग रही है। घाट को पर क्या